महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आई टीवी को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। फ्रेंड्स, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिशु के बारे में पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन शायद ये आप ना जानते हों कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये सिर्फ बच्चे के वजन, हृदय की धड़कन यानी स्थिति बताते हैं, लेकिन पूरा शरीर के एक एक अंग को नहीं देख पाते। अक्सर हम देखते हैं कि कई शिशु जन्मजात ही पैरों से अपाहिज होते हैं, या उनका कोई हाथ अपंग होता है, या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होती है जिससे वह सारी जिंदगी ना तो बैठ पाते हैं और ना ही कोई अन्य काम कर पाते हैं, जिससे बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता की भी सारी जिंदगी सेवा में निकल जाती है। तो इसी प्रकार की सारी छोटी से छोटी शरीर की हर दिक्कत को यानी हर अंग को देखने के लिए 3D या 4D अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। पहले यह टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से यह टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो हर किसी को एक बार 3D या 4D अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आइए अब जान लेते हैं थोड़ा इस अल्ट्रासाउंड के बारे में। 3D या 4D अल्ट्रासाउंड स्कैन का सबसे एडवांस वर्जन होता है। यह अल्ट्रासाउंड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। 3D अल्ट्रासाउंड में गर्भ में पल रहे बच्चे की 3D तस्वीर दिखाई देती है, वहीं 4D अल्ट्रासाउंड में यह तस्वीर ना होकर एक चलचित्र की तरह दिखाई देता है। इसमें बच्चे के एक एक अंग, यहाँ तक कि बच्चे के हाथ पैरों की उंगलियाँ भी साफ दिखाई देती हैं और उन अंगों के अंदरूनी भाग की भी जांच हो जाती है। इसमें आप अपने बच्चे को बिल्कुल वास्तविक रूप में देख सकते हैं, मानो बच्चा पेट के अंदर ना हो करके पेट के बाहर हो। बच्चे का रंग, रूप, हर चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।